मैं श्री शिवाय नमस्तुद्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश भूल एंड आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए 7 नंबर लड्डू गोपाल की कुर्ता बनाने जा रही हूँ। लड्डू गोपाल का जो कुर्ता होता है, कुर्ता पजामा और उसका दुपट्टा मुकुट सब बना के दिखाऊंगी गाइस। बट आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ता बनाना सिखा रही हूँ। तो कुर्ता कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। 7 नंबर लड्डू गोपाल का बना रही हूँ गाइस। इस तरीके से नॉट बना ली हमने, अब इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमने लॉक कर दिया। अब देखिए कुर्सिया हुक डालेंगे इसमें, और कुर्सिया हुक हमारी 11 mm की है। अब देखिए मैं चेन बनाऊंगी गाइस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चेन हो गई गैस। अब देखिए 19वीं चेन पे हम इस तरीके से थंब रख लेंगे। उसके बाद में देखिए 1 चेन 2 चेन और 3 चेन, ये 3 चेन हो गई गैस। अब देखिए मैं धागा लपेटूंगी इस तरीके से, और जो हमारी ये 4 नंबर की जहां हमने थंब रखा था, 4 नंबर की 3 चेन स्क्रिप करेंगे, 4 नंबर की चेन में हम इस तरीके से डबल कुशिया बना देंगे। तो देखिए एक डबल कुशिया हो गई हमारी। अब देखिए 1-3 की चेन को भी हम एक डबल कुशिया काउंट करेंगे। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी हम एक बार डबल कुशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल कुशिया बनाएंगे, देख सकते हो गाइस। अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल कुशिया बनाएंगे गाइस। इसी तरीके से हमें ये जो हमारी 19 चेन है, 19 चेन में हमें एक एक बार, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारी बन के फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। और देखिए हमने 19 चेन ली थी और 3 चेन स्क्रिप कर दी। तो जो स्क्रिप करते हैं वो चेन हमारी ये वाली आ जाती है, इसलिए हमारे 19 चेन की 20 चेन हो जाती है, 20 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाती हैं। तो अब ये मेरे पहले राउंड में 20 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं सेकंड राउंड बताऊंगी गाइस। ऐसे टर्न लूंगी, 1 चेन 2 चेन और 3 चेन, 3 चेन हो गई गाइस, देख सकते हो। अब जो हमारी ये फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम नहीं लेंगे, और देखिए इससे इस वाली चेन में हम नेक्स्ट वाली में ले लेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे आएगा गाइस। और इसी में फिर दोबारा से ले लूँगी। तो एक चेन में मैंने 2 बार कर दिया। देखिए एक चेन, ये 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करके चलते हैं। तो 1 3 की चेन हो गई, और 1 नेक्स्ट चेन में हमने इस वाली में ना लेके इस वाली में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे हम इस तरीके से। तो देखिए इसमें 1 हो गई और इसमें 2। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार, और फिर इसी चेन में दोबारा से, देखिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से 2 2 बार, हर चेन में 2 2 बार करते हुए जाएंगे। 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे गाइस। पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना, और जैसे हमने स्टार्टिंग में 1 चेन ली है वैसे ही हम लास्ट में भी 1 चेन लेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमने हर चेन में 2 2 बार कर लिया। अब ये हमारी जो 3 की चेन थी वो रह गई है। अब हमने जैसे कि फर्स्ट में 1 बार करा था वैसे ही उस 3 की चेन में हम 1 बार कर देंगे। तो देखिए गाइस, अब हमारी इस रो में 38 बन के कम्प्लीट हुए हैं। फर्स्ट रो में हमारे 20 थे, उसके बाद में हमने फर्स्ट और लास्ट में हमने 1 1 बार 1 चेन में किया है, बाकी के सब में हमने 2 2 बार डबल क्रोशिया करा है 1 चेन में। तो अब हमारे ये बन के टोटल हो गए हैं 38 हो गए गाइस। अब मैं अब इसे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूंगी बनाना। तो देखिए 3 की चेन लूंगी पहले, ये मैंने 3 की चेन ले लिए गाइस। अब इसे नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारे 3रा राउंड स्टार्ट हो गया है। अब मैं पहली चेन में फिर दोबारा से 1 ही बार लूँगी, इसमें 1 चेन में 1 बार, और फिर इससे नेक्स्ट ये वाली चेन है तो इस वाली चेन में मैं दोबारा नहीं लूँगी, इस वाली चेन में 1 बार लूँगी डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 चेन में 1 1 बार हो गया। अब 3rd नंबर की चेन में लूँगी इस तरीके से 1 बार डबल, ये हमारा 3रा राउंड बनना है। 3 चेन में मैंने 1 1 बार ले लिया। अब देखिए 4थी चेन है, 4थी चेन में मैं 1 बार ले लूँगी। 4 चेन में हमने 1 1 बार ले लिया। अब आ गई ये 5वीं चेन, तो 5वीं चेन में मैं गाइस 1 बार ले लिया, और इसी चेन में फिर दोबारा से
एक और ले लूँ। तो ये मेरे पाँचवें नंबर की जो चेन आई है उसमें मैंने दो बार लिया है। अब देखिए इससे नेक्स्ट एक एक चेन, और फिर दूसरी चेन में एक बार, और फिर तीसरी चेन में एक बार, फिर चौथी चेन में एक बार, अब ये पांचवी चेन में एक बार। तो देखिए गाइस यहाँ मैंने चौथी चेन, चार चेन में मैंने एक एक बार लिया था, और पांचवी चेन में मैंने दो बार डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद फिर मैंने अब ये पांच चेन में एक एक बार ले लिया है। अब ये आ गई छठवीं चेन, और छठवीं चेन में मैं दो बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से एक बार हो गई, और सेम इसी चेन पर फिर दोबारा से कर दूँगी। तो ये छठवीं चेन में मैंने दो बार डबल क्रोशिया कर दिया है। तो गाइस इसी तरीके से फिर मुझे स्टार्टिंग करनी है। तो पहले चार बार मुझे एक एक बार करना है, एक दो, और फिर इसके नेक्स्ट तीन, और फिर इसके नेक्स्ट चार। अब चार बार मैंने एक एक बार ले लिया गाइस। अब उसके बाद में फिर मुझे पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया करनी है, एक और दो। अब इसके बाद में फिर मुझे पांच चेन में एक एक बार लेना है, और छठवीं चेन में दो बार डबल क्रोशिया करनी है। फिर उसके बाद चार चेन में एक बार लेना है, उसके बाद पांचवी चेन में दो बार, फिर छठवीं चेन में। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है वैसे ही इधर भी करना है। अब देखिए गाइस ये एक दो तीन, तीसरी राउंड में मेरे हो गए 44, 44 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुई हैं। अब देखिए फिर मैं इसे नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी। तो मुझे नेक्स्ट राउंड में गाइस बनाना है जैसे अभी जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है। तीन चेन बना ली, अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी, और फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी। तीन चेन में मैंने एक एक बार बना दिया है गाइस। अब देखिए इसे नेक्स्ट चेन में, चौथी चेन में मैंने एक बार बना दिया। अब ये पांचवी चेन में दो बार बनाऊंगी, जैसे अभी नीचे बनाया था वैसे ही दो बार बनाऊंगी पांचवी चेन में। अब देखिए पांच चेन फिर मुझे एक एक बार बनानी है, एक दो तीन चार पांच, मैंने पांच चेन एक एक बार बना दी। अब देखिए छठवीं चेन में मुझे इस चेन में दो बार बनाना है। छठवीं चेन आ गई, तो छठवीं चेन में एक बार, और सेम फिर इसी चेन में दोबारा से छठवीं चेन हो गई। अब देखिए मुझे छह चेन एक एक बार बनानी है, एक दो तीन चार, और इससे पांच छः। अब मैंने छः चेन में एक एक बार बना दी गैस। अब आ गई हमारी ये सातवीं चेन, तो सातवीं चेन में फिर मैं दो बार बनाऊंगी, तो एक बार, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से बना दूंगी। तो सात चेन में मैंने दो बार बना दिया। अब फिर दोबारा से मैं चार चेन में एक बार बनाऊंगी, फिर पांचवी चेन में दो बार, फिर पांच चेन एक बार बनाऊंगी, छठवीं चेन में दो बार, फिर छः चेन में एक बार बनाऊंगी, और सातवीं चेन में दो बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट बनाऊंगी, फिर तीन की चेन ले लूँगी, एक दो तीन, तीन की चेन लेने के बाद में देखिए गाइस फिर हम दोबारा से इसमें ना लेके इसे नेक्स्ट वाली में लेंगे। तो तीन की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, तो दो हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी तीन, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी चार, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी पाँच, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊँगी छः, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी सात, और फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी आठ, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी नौ, और फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी दस, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी ग्यारह, फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी बारह। देखिए गाइस बारह चेन में हमने एक एक बार कर दिया है। अब आ गई ये तेरहवीं चेन, तो तेरहवीं चेन में मैं दो बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से दो बार डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। अब देखिए इससे फिर नेक्स्ट मैं बारह डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक एक चेन में, और तेरहवीं चेन में फिर मैं दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी।
इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं एक राउंड, दो राउंड, तीन, चार, पांच राउंड हो गए कंप्लीट। और छठवा राउंड, और इस पर मैं बाजू बनाऊंगी। तो देखिए छठवें राउंड पर मैं बाजू बना रही हूँ। तो मैंने तीन की चेन ले ली गाइस। अब तीन की चेन जहाँ से ली है वहाँ नहीं बनाऊँगी, यहाँ नहीं लूँगी, इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो एक बार हो गई, और एक तीन की चेन को काउंट करेंगे, दो हो गए, इसे नेक्स्ट में तीन, फिर इसे नेक्स्ट में चार, और फिर इसे नेक्स्ट में बनाएंगे पांच, इसे नेक्स्ट में छः, और फिर इसे नेक्स्ट में सात। सात चेन हमने एक एक चेन में सात बार बना लिया। सात चेन, सात डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाई है हमने। अब देखिए हमें स्किप करनी है आठ, सॉरी हमें यहाँ पर तेरह तेरह स्किप करनी है, चौदहवीं चेन में बनाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, देखिए दोबारा से करती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, तेरह चेन हो गई गैस इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर दूँ, सॉरी यहाँ डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तेरहवीं चेन में, चौदहवीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ, तेरह चेन मैंने स्किप करी है इसमें, और मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से बाजू बन के आया है, आप देख सकते हो। अब ये पीछे वाला मैं बनाऊँगी। तो गैस पीछे वाले में देखिए एक हो गया, अब इससे नेक्स्ट दो, दो डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पाँच, नेक्स्ट छः, फिर नेक्स्ट सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, देखिए बारह, तेरह, और ये चौदह। गैस हमने चौदह डबल क्रोशिया पीछे की साइड में ले ली, पीछे वाले बैक में, क्योंकि हमारा सात सात फ्रंट रखा था हमने, ये वाला सात था डबल क्रोशिया का। और हमने यहाँ पर तेरह चेन स्किप करी है, चौदहवीं चेन से स्टार्टिंग करी है, और यहाँ पीछे हमने चौदह चेन ले ली। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट फिर मैं तेरह स्किप करूँगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। देखिए दोबारा से काउंट करती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। तेरह स्किप करके ये चौदहवीं चेन में फिर दोबारा से मैं इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी, इस तरीके से डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार लूँगी, दो, तीन, देखिए चार हो गए, पांच, छः, और देखिए ये हो गए हमारे सात, देख सकते हो इधर भी सात हो गए और इधर भी सात हो गए। आप देखिए इस तरीके से ये हमारे सात सात बन के तैयार हो चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप। ये हमारी चोली इस तरीके से आई है। अभी हमने सिल्प स्टिच नहीं कराई क्योंकि हमें एक राउंड और बनाना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट बन के आया है, इस तरीके से देख सकते हो गाइस। और देखिए पीछे की साइड भी दिखा देती हूँ, ये पीछे से इस तरीके से आई है क्योंकि ये बड़ा साइज है। अब इससे नेक्स्ट राउंड बताऊँगी आपको गाइस। अब हम लास्ट राउंड बता रहे हैं। देखिए तो एक चेन में ये तीन की चेन हो गई, अब इसी चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए एक तीन की चेन, एक ये दो हो गए, अब इसे नेक्स्ट में करेंगे तीन, चार, पाँच, छः, और ये हो गए हमारे सात। तो देखिए सात के ऊपर हमने सात बार ले लिए। अब देखिए जो हमारी ये वाली चेन है ना, ये होल वाली, इसको हम स्किप कर देंगे, इस यहाँ ना लेके यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हो गाइस यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए
मैं पूरे में इसी तरीके से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारी 7 नंबर की चोली बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आप इसको 8 नंबर में भी पहना सकते हो गाइस, बिल्कुल सही बनेगी, छोटी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसका कुर्ता कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। तो सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे, और मैंने ये नॉट बना के तैयार कर ली है गाइस इस तरीके से। अब देखिए, मैं इसका बैक लुक बताऊँगी पहले आपको। तो देखिए गाइस, हम पीछे वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे जो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, तो हम यहीं से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारा ये जॉइंट है बाजू का, यहाँ से, क्योंकि ये हमारा पैटर्न ये। अब मैं इसका पीछे का पोजिशन बनाना बताऊँगी कुर्ते का, यहाँ से। तो ये हमारी जो यहाँ से लेके, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे ओनली, बस यहाँ से ये नहीं बनाएंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जॉइंट बाजू की सी से यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं जॉइंट करूँगी। सबसे पहले ये नॉट मैंने पहले से बना के रखी है गाइस, नॉट बना लो या जॉइंट कर दो सिंगल डबल क्रोशिया से। ये मैंने लॉक कर दिया। अब देखिए, एक चेन और ले लूँगी, 2 चेन हो गई। अब देखिए, इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि मैं 3 की चेन को भी 1 डबल क्रोशिया काउंट करूँगी। अब देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से मैं 1 बार डबल क्रोशिया काउंट करूँगी, सॉरी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, और ये धागा साथ में ही ले लूँगी जिससे कि हमारी बुनाई गंदी ना लगे इस तरीके से। तो देखिए, मैंने फर्स्ट में 2 बार करा है, ऐसे ही जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ लास्ट वाले में, ये जो हमारी लास्ट क्रोशिया है, यहाँ पर मैं 2 बार करूँगी, और बाकी के सब मैं 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो चलिए राउंड कम्प्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारे दोनों तरफ से 1-1 बढ़ गया है, देख सकते हो आप। देखिए, इस चेन में, फर्स्ट चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करी है एक चेन में। अब देखिए, लास्ट की चेन में भी मैंने 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी है, बाकी सब चेनों में मैंने 1-1 बार डबल क्रोशिया करी है। अब देखिए, मैं ये सेकंड राउंड बना रही हूँ, तो मैंने 2 की चेन ले ली। अब जो हमारी ये वाली चेन है, इसी के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी मैं, और फिर इससे नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरीके से गाइस, मुझे पूरे राउंड में 1-1 डबल क्रोशिया करना, और जो लास्ट की चेन है उस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना, फिर मुझे 1 राउंड और बनाना इसी तरीके से। लास्ट और फर्स्ट वाले में मुझे 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद फिर बीच में सब में 1-1 बार करना। इसी तरीके से ये मुझे 4 रो बनानी है गाइस। तो चलिए मैं कम्प्लीट करके दिखाती हूँ 4 रो। अब देखिए गाइस, ये हमने इस तरीके से आगे का फ्रंट इस तरीके से बनाना है, और देखिए ये मैंने पीछे का पूरा कम्प्लीट करके रख दिया है इस तरीके से। इसमें हमारी देखिए 1 रो 2 रो 3 4 रो बनाई है हमने, और देखिए दोनों तरफ हमने 1-1 बढ़ाते हुए आए हैं। जैसे फर्स्ट चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया दोनों तरफ ली है, फर्स्ट और लास्ट में, फिर यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट में और लास्ट में 2 बार, 1 चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया दोनों तरफ ली है, और बीच में 1-1 बार डबल क्रोशिया करा है। फिर इसमें भी मैंने फर्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, और बाकी के सब में 1 बार डबल क्रोशिया, और लास्ट में 1 बार, 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर इसमें भी मैंने ऐसे ही करा है, बीच में 1-1 डबल क्रोशिया, और दोनों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ 1 चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया, बस 1-1 इधर साइड में बढ़ाया और 1-1 इधर, और ये हमारा इस तरीके से बन के आया, आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से। अब देखिए, ये भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है कि फर्स्ट चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है, और बीच में 1-1 बार डबल क्रोशिया करनी है, फिर लास्ट में 1-2 बार चेन में करनी है। जैसे हमने ये बनाया वैसे ही सेम ये वाला बनाना है, और मैं बता देती हूँ आपको। और देखिए, हमारा ये इस तरीके से बन के आया है, और देखिए गाइस, बट ये तो मैं 1 चेन, जैसे पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो देखिए 1, 2 और 3। तो देखिए, मैंने इसमें 4 चेन बनाई हैं पीछे वाले में, आगे वाले में मैंने 3 चेन बनाई हैं, 1, 2 और 3। ये देखिए, 1 रो और 2 रो 3 रो, 3 रो बनाई है मैंने आगे वाले में, और पीछे वाले में मैंने 4 रो बनाई है गाइस, 1, 2, 3, 4, 4 रो पीछे वाले में बनाई है। इसी तरीके से मुझे ये भी कंप्लीट करना है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको कंप्लीट कैसे करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये वाला जो होल दिख रहा है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लॉक कर देती हूँ मैं, ये लॉक कर दी, और 1 चेन और बनाऊंगी, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा, जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है लॉक करा है, उसी चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट चेन जो लूँगी, ये दोनों धागे मैं इसी के बीच में ले लूँगी गैस, जिससे कि हमारी ये सफाई लगे बनी हुई इस तरीके से। अब देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में मैं
डबल क्रोशिया एक एक चेन में एक एक बार करती हुई आऊँगी। फर्स्ट चेन में मैंने दो बार किया है, उसके बाद मैं एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करूँगी। और देखिए अब इस धागे को मैं ऐसे ले लूँगी जिससे कि ये दिखे नहीं, फोल्ड कर लूँगी। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से लूँगी। और देखिए फिर नेक्स्ट चेन में, अब देखिए लास्ट की चेन रह गई हमारी गाइस, देखिए ये हमारी लास्ट की चेन रह गई। तो मैं लास्ट चेन में दो बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में करूँगी, एक बार हो गया। और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया और कर दूँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट और लास्ट में दो दो बार करूँगी। उसके बाद में अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से दो बार चेन ले ली। अब ये वाली जो होल दिख रहा है इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो हमारी एक चेन में दो बार हो गई, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और इससे लास्ट वाले में फिर मैं दो बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। इसी तरीके से एक मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा बना रही हूँ। इसमें भी लास्ट में हमें दो बार एक चेन में करना है और एक और बनाऊंगी। टोटल हमें तीन चेन बनानी है, तो तीन राउंड बनाने हैं गाइस, तीन रो कम्प्लीट करनी है। तो चलिए कम्प्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड होगा। अब देखिए मैंने आधा बनाया है, तीसरे नंबर का मैं इसे यहाँ पर ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चेन और दो चेन, लास्ट में हम दो बार करते हैं तो उन दो में ही दो बार करेंगे, बाकी के नहीं। तो देखिए अब मैंने ये पूरा बना दिया। अब हमारी लास्ट की ये वाली रॉ रह गई है इसमें जो हम दो बार करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रखेंगे गाइस। देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें ये बराबर बराबर करना है। तो देखिए इस वाली को हम इसके ऊपर चढ़ा के इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और फिर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। और क्योंकि हमें उसमें दो बार करना है तो हम एक बार और कर देंगे गाइस इस तरीके से, हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको ऊपर की चेन में, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए फिर चेन में हम एक इस तरीके से निकालते हुए नेक्स्ट चेन तक ले जाएंगे इस तरीके से, और ये हमारा स्लिप हो जाएगा क्योंकि आगे का जो पर्दा है उसमें हमने तीन रो बनाई हैं, और पीछे का जो पर्दा है उसमें हमने चार रो बनाई हैं गाइस। इस तरीके से हम इसको आगे तक ले जाएंगे, और ये हमारा जॉइंट भी हो गया गाइस, और हमारी हल्की सी डिजाइन भी बन जाएगी। अब देखिए एक चेन लेके मैं इसको कट करके अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से जुड़ गया है हमारा ऐसे, और अभी कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आई है चोली। देखिए हमारा ये यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया है नीचे वाली रो पर। अब देखिए एक रो दो तीन चार, अब देखिए यहाँ से हमारा ये कट हुआ है यहाँ से, तो देख सकते हो देखिए एक दो तीन चार, चार रो हो गई इसमें। और देखिए इसमें हम काउंट करेंगे तो देखिए एक दो तीन, तीन रो आगे वाली में हमने तीन बनाई हैं और पीछे वाली में चार बनाई हैं। तो इसी तरीके से गाइस ये हमारा आगे पीछे का इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हो पीछे का थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये पीछे वाला जब कान्हा जी बैठते हैं तो ये आगे वाला बहुत नीचा हो जाता है और पीछे वाला छोटा रह जाता है, इसलिए पीछे वाला हमने एक राउंड बड़ा बनाया है। अब इसमें गाइस आपको मोती लगाना हो, सॉरी गाइस अभी इसमें हम बाजू और बनाएंगे, यहाँ से बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस ये बाजू हमें इस तरीके की बाजू बनानी है इसकी। तो कैसे बनाएंगे मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि देखिए जो अभी बताती हूँ, यहाँ से जो हमारी ये वाली जो चेन होती है हमारी ये वाली, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस वाली चेन में हमारी डबल क्रोशिया है। तो बाद में फिर जब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करके दिखाती हूँ। पहले यहाँ से बनाना हम स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँगी इस तरीके से, दो की चेन हो गई। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी। देखिए ये मैंने तीन की चेन ले ली गाइस, दो चेन बनानी है हमें
दो चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से, फिर इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। हर चेन में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाऊंगी। फिर बताती हूँ आपको, ये हमारा बाजू का पहला राउंड ही बता रही हूँ। तो देखिए हर चेन में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया, ये चेन जो दिख रही है इसमें हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जा रही हूँ मैं। तो देखिए गाइस, चेन में ही डालना है गाइस, इस तरीके से हर चेन में लेती हुई जा रही हूँ मैं एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए अब हम आ गए नीचे की तरफ। देखिए जहाँ हमें चेन चेन दिख रही है उस चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए अब मेरी एक चेन रह गई है, इस चेन में और ले लेती हूँ। देखिए अब ये हो गई हमारी चेन, इस तरीके से ये चेन हो गई। अब देखिए इससे नेक्स्ट हमारी कोई चेन नहीं है, ये हमारी डबल क्रोशिया। तो मैं एक बार इस डबल क्रोशिया में और ले लूँगी, डबल क्रोशिया में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बना दी। अब देखिए जो हमारा जॉइंट आता है, जो हमारी बाजू की जो हम स्क्रिप कर देते हैं स्टार्टिंग में, तो उसी देखिए ये जो दिख रही होगी आपको चेन, ये वाली, इसके अंदर मैं एक बार डालूँगी और यहीं पर एक डबल क्रोशिया ले लूँगी। उधर हमने डबल क्रोशिया में एक बार डबल क्रोशिया ली है, इधर हमारी चेन आ गई तो उसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया ली। अब देखिए इधर भी हमारी एक चेन आ गई, सॉरी डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया में मैं एक बार ले लूँगी। तो देखिए इधर भी डबल क्रोशिया में ली थी, उसके बाद में एक चेन है तो चेन में मैंने डबल क्रोशिया ले ली, और फिर इधर भी ये हमारा राउंड है ये वाला, तो इसमें भी हमने डबल क्रोशिया में ही ली है। अब इससे नेक्स्ट चेन है, देखिए ये ऊपर यहाँ से ये चेन आ रही है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पर जो हमारी तीन की जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था तीन की चेन थी उसी के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। देखिए हमारी सिल्प स्टिच हो गई, और देखिए अब हमें पूरा राउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब हमें चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, चेन हमारी ऑलरेडी बनी हुई है सब। तो देखिए हर चेन में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जा रही हूँ। देखिए हर चेन में एक एक बार, क्योंकि हमारा अब राउंड पूरा सर्किल में बन गया है इस तरीके से। देखिए देखिए हमारा पूरा सर्किल बन गया है राउंड का। तो अब हमें इसमें हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। केवल हमें दो बार डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया करनी है, एक बार अभी समझा दूंगी गाइस इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट चेन में हमें हमारी चेन है एक राउंड और बना देती हूँ, उसके बाद समझा देती हूँ इसको, कंप्लीट करके समझाऊंगी अभी। देखिए अब ये हमारा नीचे वाला आ गया जो हमने डबल क्रोशिया उठाई थी, इस वाली चेन में एक बार ले लूँगी मैं। देखिए ये वाली चेन रह गई, इसमें एक बार ले लेती हूँ। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट हमारे तीन रह जाएंगे, तो तीनों में एक एक बार ले लेंगे। हर चेन में मुझे एक ही एक बार लेना है गाइस, किसी में भी दो बार नहीं लेना है इस तरीके से। और फिर देखिए नेक्स्ट चेन आ गई, तो नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन आ गई ये वाली हमारी, तो इसमें भी मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं आ गए, तो वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से फिर हम राउंड आगे नेक्स्ट तैयार करेंगे। तो देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, देखिए यहाँ जो हमारी डबल क्रोशिया होती है ना, ये वाला हमारा बेस राउंड होता है ये वाला, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। और एक हमारा यहाँ जॉइंट का होता है, जब हम बनाते हैं तब एक जॉइंट का होता है, तो वहाँ से हम एक डबल क्रोशिया ले लेते हैं इस तरीके से। और फिर देखिए पीछे की साइड भी हमारा ये वाला राउंड होता है, तो इसमें से एक बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। उसके बाद हमारी फिर चेन स्टार्ट हो जाती है, तो हमें इसी तरीके से बना के राउंड कम्प्लीट करना। तो चलिए राउंड कम्प्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस फाइनल लुक हमारा इस तरीके का आया, आप देख सकते हो गाइस, और बहुत प्यारी लग रही है। ये हमारी 7 नंबर लड्डू गोपाल की है, और 8 को भी पहना सकते हो गाइस, देख सकते हो पीछे का लुक इस तरीके। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पजामा के साथ और इसका
हम दुपट्टा भी बना के दिखाएंगे और इसका मुकुट भी बना के दिखाएंगे, तो बनी रहिएगा मेरी चैनल पर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।